हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के लेक्चर्स में। हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं थोड़ा इक्विलिब्रियम को, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, लैडर प्रॉब्लम क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरे लेक्चर में इक्विलिब्रियम को जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियसली जो भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद टॉर्क और उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है। और उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ ही बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं हम, किसकी? तो इक्विलिब्रियम की। ओ माय गॉड्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मतलब अब तक हम जानते थे, मतलब पहले समझ लेते हैं। बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब क्या था? बैलेंस्ड। और चूंकि हम लोगों ने अब तक फोर्स ही पढ़ा है, तो हमें लगता है कि अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो? जीरो। लेकिन चूंकि हमने टॉर्क भी पढ़ लिया, तो अब सिर्फ यहां तक कहना गलत बात। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होगा? अगर इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं, इसका मतलब कि बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना होगा। ट्रांसलेशनल मतलब कि वही जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी दोनों ही इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, तब ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। मतलब ट्रांसलेशनल के लिए क्या? इफ नेट जीरो। और रोटेशनल के लिए क्या? नेट टॉर्क जीरो। अगर ये है तो इक्विलिब्रियम में। इस पर एक सवाल आ जाए, देखते हैं क्वेश्चन या जो कही है एग्जाम्पल जो कही है। अगर इफ नेट क्या हो जीरो, ठीक है। इफ नेट जीरो implies मतलब अगर ये है तो ये होगा, इसको इस सिंबल को क्या बोलते हैं? implies। अगर if net is equal to zero implies that, ठीक है, implies that tau net zero, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा, यही कह रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ टाउ नेट जीरो है तो इसका मतलब कि नेट फोर्स भी जीरो होगा। इसको लैंग्वेज वाइज अगर हम समझें तो इफ नेट जीरो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। टाउ नेट क्या कहलाता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कहना यह चाह रहा है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इफ नेट जीरो मतलब कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने और इस पर ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, या पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए और बताइए क्या इसका सही जवाब है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
मेंटोस खाइए, मेंटोस खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये बात क्लियर है, तह तक जा रही है दिमाग के। यहां इफनेट है मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो है इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर इफनेट जीरो है मतलब अगर कोई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, या अगर कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही या गलत कुछ भी लगा लीजिए, अभी बाद में मालूम चल ही जाएगा। तुक्का मारिए और देखिए तुक्का कितना सही रहता है आपका। इसको सॉल्व करते हैं और इसको क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। क्लियरिफाई, कौन सी बत्ती बुझ गई, समझते हैं। क्लियरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, हो क्लैरिफिकेशन क्या है, आइए देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन क्या है। ये एक कोई रॉड है और यहाँ फिक्स्ड है, हमने इस पर फोर्स लगाया इधर एक एंड पर और इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, इसकी लंबाई एल है। दूसरा फोर्स हमने यहाँ लगाया, पहला फोर्स यहाँ, दूसरा फोर्स यहाँ, नेट फोर्स कितना हुआ इस सिचुएशन में, तो जाहिर सी बात है इधर एफ लग रहा है और इधर एफ लग रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो, जेरो। एफ नेट क्या हुआ, जेरो। अच्छा टाउ निकालिए, तो टाउ तो होगा, टॉर्क अगर निकालेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, ये कपल ऑफ फोर्स है, कपल ऑफ फोर्स है और इससे रोटेशनल इफेक्ट भी मिलेगा क्योंकि दोनों का, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है डिफरेंट है, तो ये घूमेगा और दिख भी रहा है, फील भी हो रहा होगा कि घूमेगा ये, तो घूमेगा तो इसका मतलब टाउ होगा और टाउ नेट कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है एल, ये हो गया एफ एल, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है जीरो। तो इस एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो गया कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो टाउ नेट जीरो हो ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है गलत। दूसरे स्टेटमेंट को देखें, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो आइए, ये एक ब्लॉक है जो एक जमीन पर रखा हुआ है, इधर फोर्स लग रहा है 2F, इधर फोर्स लग रहा है F, इसमें टाउ नेट कितना है, तो जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, साफ फील हो रहा होगा कि ये घूमने वाला नहीं, तो टाउ नेट जीरो हो गया। लेकिन एफ नेट कितना, 2F में से F को माइनस कर दीजिए क्या आया F, तो F net not equal to zero, F net not equal to zero, ओहो, मतलब कि अगर F net zero है तो tau net भी zero नहीं होगा, और अगर tau net zero है तो F net भी zero हो ऐसी जरूरी, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका सही जवाब हुआ, मैं दूसरे कलर से इसको टिक मारूंगा, बात समझ में आ रही है, कहानी क्लियर है कि इक्विलिब्रियम क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एफ नेट जीरो, यही है ट्रांसलेशनल, ये खिसकता जाएगा इधर, इसी को ट्रांसलेशनल मोशन बोल रहे हैं, ये खिसकता जाएगा तो खिसकेगा, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एफ नेट कितना हो गया जेरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ नेट कितना हो जाएगा जेरो, तो दोनों अगर जीरो है तो इसका मतलब वो किसमें है इक्विलिब्रियम में। अब तक हमें यही मालूम था, लेकिन अब चूंकि रोटेशनल भी पढ़ लिया तो इक्विलिब्रियम मतलब दोनों ही क्या होना चाहिए जीरो, और ये जरूरी नहीं है कि एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो हो, ये आपने यहां समझ लिया, बात समझ में आ रही है, तो फटाक से इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है, तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, यहां तक आपने नोट कर लिया अच्छी बात है, अब इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, इससे कंक्लूजन क्या मिला, तो कंक्लूजन लिखना जरूरी है, तो चूंकि इसी को मिटा दे, उसी को मिटा देते हैं, ठीक है, इसी को मिटा दिया जाए और इक्विलिब्रियम का कंक्लूजन लिख लिया जाए, क्या है कंक्लूजन देखें,
कंक्लूजन है इक्विलिब्रियम, बोले तो कि इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ठीक है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट इंप्लाइज इफ नेट इज इक्वल टू जीरो एंड टाउ नेट इज ऑल्सो जीरो। यहां तक तो आप कहेंगे हाँ तो समझ गए टाउ नेट भी जीरो, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स। ओहो हो बच्चा परेशान, यहां तक तो अच्छे से समझ लिए थे, क्या नया चीज घुसा दिया आप, अबाउट ऑल द पॉइंट्स अब क्या है बताइए, यहां तक छुपा दीजिए, यहां तक तो समझ में आ रहा है, ये नया घोच पोच क्या है इसमें अबाउट ऑल द पॉइंट्स, इसको भी क्लियर करते हैं, फिकर नोट्स इसको मिटा दीजिए, मिटा कर समझते हैं कहानी अबाउट ऑल द पॉइंट्स क्या है, अबाउट ऑल द पॉइंट्स की कहानी। चलिए अबाउट ऑल द पॉइंट्स ठीक है, टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, और एक चीज याद रहे ये जो मैं लिख रहा हूं ये तब होगा, ये तब होगा जब इफ नेट क्या हो जीरो हो। बात समझ में आ रही, टाउ नेट जीरो होगा अबाउट ऑल द पॉइंट्स तब होगा जब इफ नेट क्या हो जीरो। ठीक है आइए समझते हैं टाउ नेट अबाउट ऑल द पॉइंट्स क्या है। तो ठीक है, या हमने फोर्स लगाया इफ, या हमने फोर्स लगाया इफ, ठीक है दोनों के बीच की दूरी एल, ठीक है दोनों के बीच की दूरी एल, ऑल द पॉइंट्स क्या, देखिए पॉइंट्स लेते हैं अलग अलग ठीक है, और चूंकि पॉइंट्स अलग अलग लेंगे इस वजह से कलर भी अलग अलग ले लेते हैं, घूम रे। चलिए पहला पॉइंट ए, इस ए के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, तो निकालते हैं टाउ ए निकाल रहे हैं, इसकी वजह से होगा, इस फोर्स की वजह से होगा नहीं होगा, इस फोर्स की वजह से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स उसी पॉइंट पर आ रहा है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो, तो टाउ हो गया उसके लिए जीरो, इसके लिए कितना होगा एफ इधर और इस पॉइंट से, ये पॉइंट है और यहां पॉइंट ऑफ फोर्स है, तो आर ये हो गया, तो कितना हो गया एल एफ, अंदर की बाहर लगाइए ये क्रॉस सेक्शन वाला, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, आर एफ, तो आर ये रहा, आर एफ किधर जा रहा है अंदर, आ गया अंदर की तरफ। अच्छा कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं बीच में ले लिए हम बी पॉइंट, बीच मतलब एल बाई टू, ये नीचे वाला भी एल बाई टू अब निकालिए टाउ बी एफ इधर जा रहा है, सॉरी आर ऐसे, इस पॉइंट से चलिए आर एफ कितना अंदर, कितना हो जाएगा एफ एल बाई टू अंदर की तरफ, एल बाई टू एफ अंदर की तरफ, प्लस इसके वजह से निकालिए आर नीचे, यही ना होगा आर यहां से यहां, ये आर वेक्टर और ये फोर्स लग रहा है इधर, ये इसके अबाउट निकालना है, तो ये ऐसे जा रहा है ऐसे गया अंदर की तरफ, तो ये भी कितना हुआ
ly2f अंदर की तरफ, दोनों को जोड़िए, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हाफ हाफ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा lf अंदर की तरफ। कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं और वो लेते हैं यहां पर c पॉइंट, और ये नीचे वाले से x दूरी पर, नीचे वाले से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, tau c निकालिए, tau c, c तो ये हो गया x, ठीक है, तो ऐसे जाकर x, xf हो जाएगा अंदर की तरफ, xf किधर, अंदर की तरफ। अच्छा ऊपर वाले का निकालिए, तो ऐसे जाकर ऐसे, तो ये भी अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, कितना हो जाएगा प्लस l माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स इंटू एफ, ये भी किधर जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे अंदर, अंदर जा रहा है ये भी, तो tau c xf, ये भी अंदर, ये भी अंदर, इसको सॉल्व करोगे तो lf आ जाएगा, lf अंदर की तरफ। ओ हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं सब में, तो अंदर की तरफ जा रहा है lf, रिजल्ट क्या है, यही है, तो आप साफ देख रहे हैं tau net क्या होगा, जीरो, या यहां जीरो तो नहीं है, या हम क्या निकाल रहे हैं tau net जीरो, या ये कहिए कि tau net क्या हो, कॉन्स्टेंट, ठीक है, tau net क्या हो, कॉन्स्टेंट, हर पॉइंट के अबाउट क्या मिलेगा आपको, कॉन्स्टेंट मिलेगा। एक पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, सब पॉइंट के अबाउट वही है, एक पॉइंट के अबाउट निकाला, सब पॉइंट के अबाउट वही आ रहा है, इससे समझ में आ गया कि tau net अगर जीरो है तो सारे पॉइंट के अबाउट भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहां पर एक पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो lf आया, तो हर पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट भी lf, सी के अबाउट भी lf। चलिए कोई पॉइंट बाहर ले लिया जाए, इस बॉडी से बाहर ले ले, अगर इस बॉडी से अगर हम बाहर ले लें, यहां इसी सी पॉइंट को यहां ले लीजिए, चलिए इसी सी पॉइंट को हम यहां ले लें और इसका नाम रख देते हैं डी पॉइंट, इसी सी पॉइंट को ले लीजिए, तो ध्यान से अगर आप देखें तो फोर्स तो यही है, फोर्स क्या है, यही फोर्स है ना, फोर्स तो यही है, तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा ना एक्स, चाहे वो आगे लीजिए चाहे वो पीछे लीजिए, परपेंडिकुलर दूरी तो यही होगी। इसको अलग से समझाते हैं, देखिए डी यहां, फोर्स यहां है, तो ध्यान से देखें, यहां अगर जोड़ें तो इस पॉइंट से एक लाइन जोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर दूरी तो यही होगी ना, जो ये है एक्स, एक्स यहां है फिगर के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर दूरी भी तो एक्स ही होगी, तो परपेंडिकुलर दूरी भी एक्स ही होगी, तो अभी भी कितना आएगा, एक्स ही आएगा, टाउ डी निकाल लीजिए, वो यही आएगा सेम एज टाउ सी, सेम एज टाउ सी आएगा। तो अंदर लो, बाहर लो, कहीं पर भी लो, टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट कब होगा, सेम होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है एफ नेट को क्या होना पड़ेगा, जेरो। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूं जो आपके न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट लिखता हुआ नजर आऊंगा आपको। एक पॉइंट पे जीरो है, ये जीरो किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर हमको कुछ टाउ मिल रहा है तो सब पॉइंट के अबाउट तो वही मिल रहा है, तो एक पॉइंट के अबाउट अगर जीरो होगा तो सब पॉइंट के अबाउट भी जीरो होगा, इसका वाइट वाइट हो जाएगा। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं यार, इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं, कॉन्सेप्ट 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 पहले लिख लिया जाए, फिर समझा देता हूं मैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहला इक्विलिब्रियम, 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 ठीक है। चलिए
तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। जो अभी बताया गया है, अभी तक जो भी लेक्चर में मैंने बताया, वही उसी बातों को मैंने यहाँ बाकायदा कॉन्सेप्ट के तौर पर लिख दिया है ताकि आपके जहन तक बात रहे और न्यूमेरिकल बनाने में आप परेशान ना हो। क्या है, चलिए तो पहले समझते हैं। इफ नेट अगर जीरो है, देन नेट टॉक अबाउट एवरी पॉइंट सेम। देखिए, आपको डाउट हो रहा होगा कुछ चीजों में, जैसे यहां मैंने लिख दिया सेम, लेकिन कहीं लिखा मैंने जीरो, जैसे यहां लिख दिया मैंने सेम। एवरी पॉइंट इज इन एवरी पॉइंट, टॉक अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम, यहां लिख दिया सेम और लिख दिया नॉट नेसेसरली जीरो, लेकिन एट द सेम टाइम यहां क्या लिख रहे हैं कि टॉक अबाउट एवरी पॉइंट इज जीरो। ये दो बातें, दो बातें, दोनों एक नहीं है, दोनों दो बातें, और इसको क्लियर कीजिए। ये सेम कब होगा, ठीक है? इफनेट पहले समझिए, इफनेट अगर जीरो है तो हर पॉइंट का टॉर्क सेम होगा, ठीक है? हर पॉइंट का टॉर्क क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं है, इक्विलिब्रियम की बात नहीं है, ये इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं बता रहा है। इसको मैंने अभी जस्ट प्रूव किया था हर पॉइंट के अबाउट निकाल करके कि अगर इफनेट जीरो होगा तो हर पॉइंट पर टॉर्क कैसा होगा, सेम। ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक बात है, ठीक है? इसको एक पहली बात, इफनेट जीरो तो हर पॉइंट पर टॉर्क सेम, लेकिन अगर इफनेट जीरो है और टॉर्क भी हर पॉइंट पर जीरो आ जाए तो ये दूसरी बात है, और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आप हर पॉइंट के अबाउट जीरो कैसे होगा, ठीक उसी तरह जैसे हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा, जो मैंने प्रूफ किया था। दो बातें हैं अलग अलग। पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात क्या कह रही है कि इफ नेट जीरो है तो हर पॉइंट पर टॉर्क भी, टॉर्क क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी हो सकता है टॉर्क, ठीक है? टॉर्क अगर इफ नेट जीरो है तो हर पॉइंट पर टॉर्क भी क्या होगा, सेम होगा। जीरो हो ये जरूरी नहीं। ये राइट हैंड वाली बात। लेफ्ट हैंड वाली बात क्या है, लेफ्ट हैंड वाली बात कि अगर एफ नेट जीरो है और टॉर्क भी हर पॉइंट के अबाउट जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर हो रही है कहानी? अगर हर पॉइंट के बाद टॉर्क भी जीरो मिल रहा है, एफ नेट तो जीरो है ही और टॉर्क भी जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर ये है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन हर अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट जो भी आए, सब पॉइंट के अबाउट भी वही आएगा, चाहे वो जीरो हो चाहे वो नॉन जीरो। अगर वो जीरो हो गया तो वो इक्विलिब्रियम वाले कहानी में घुस गया, और अगर नॉन जीरो है तो कोई बात नहीं, हर पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट। अच्छा, आप किसी भी चीज को घुमाओ, कोई भी चीज रखा है, रखी है और उसको आप घुमाने की कोशिश, जैसे यही है, इसको आप घुमाओ तो ये घूमेगा, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? तो कोई भी रोटेशनल बॉडी अपने एक्सिस को खुद डिसाइड करता है कि हम किसके किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये कलम, ये जो पेन है, ये घूमेगा, ठीक है? ऐसे हम इसको खींचे तो ये रोटेट करेगा, फ्री सरफेस, फ्लैट सरफेस पर अगर इसका एक एंड पकड़ के खींचे तो ये घूम जाएगा। तो ये घूम रहा है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो कौन से एक्सिस के अबाउट घूमेगा? तो एक्सिस ये बॉडी खुद डिसाइड करता है कि मैं किस एक्सिस के अबाउट घूमूंगा। बॉडी खुद डिसाइड करेगा कि मैं किस एक्सिस के अबाउट घूमूंगा, ठीक है? बॉडी खुद डिसाइड कर रही है, बॉडी फीमेल, कि मैं किस एक्सिस के अबाउट घूमूंगी, ठीक है? अब देखिए, मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है? किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा? तो वो एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो मान लेते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है इस कलम का, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इससे इनफाइनाइट रेज जाएगी, ऐसे 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 इनफाइनाइट रेज, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास कर सकती है। तो अब इन इनफाइनाइट में से कौन सी वाली, इस इनफाइनाइट में से
इस इनफाइनाइट एक्सिस में से कौन सी एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा, तो वो एक्सिस जो टॉर्क के पैरेलल हो। और इसके जस्ट पिछले वाले में हम लोगों ने यही समझा था, पैरेलल और पैरेलल घुमाएगा और टेंजेंशियल नहीं घुमाएगा, ऐसा एंगल वाला। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ आई बटन पर। उससे पहले वाले में यही हम लोगों ने समझा था। तो यहां मैं कहानी क्या बता रहा हूं कि जब आप किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं तो वो घूमेगी तो वो खुद एक्सिस अपना खुद डिसाइड करेगी। तो वो एक्सिस कौन सी होगी, तो वो एक्सिस वो होगी जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो सेंटर ऑफ मास से तो भाई एक इनफाइनाइट रेस पास हो रही है, इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं, तो उस इनफाइनाइट में से कौन सी वाली, तो वो वाली जो टॉर्क के क्या हो, पैरेलल। यही बात यहां लिखा हुआ है, लिखी हुई। इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव, फ्री टू रोटेट, अगर वो फ्री है रोटेट होने के लिए, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। एंड वो एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो किसके, पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन, टॉर्क के क्या हो, पैरेलल। कहानी समझ में आ रही, मतलब इसका अगर मैं फिगर बना दूं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और इसको मैंने फ्लैट सरफेस पर रख दिया, ठीक है, तो और इस पर मैंने इधर फोर्स लगाया, इसकी लेंथ, इसका लेंथ मान लीजिए एल, तो फोर्स इधर लगाया, तो इसमें से किस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगी, तो वो एक्सिस जो इसका क्या हो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा मिड में। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो कौन सी वाली जो पैरेलल हो किसके, टाउ के। तो इसमें टाउ निकालिए, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एफ, तो आर एफ टॉर्क अंदर, तो इसका मतलब कि ये जो एक्सिस है ये भी किधर जाएगा, अंदर जाएगा। कहानी समझ में आ रही, किसी भी बॉडी को रोटेट कराइएगा तो वो एक्सिस खुद डिसाइड करती है, और वो एक्सिस वो होगी जो पास करे कहां से, सेंटर ऑफ मास से, और पैरेलल हो किसके, टॉर्क वेक्टर। दूसरा भी कहा, दूसरी भी कहानी खत्म। तीसरी कहानी पर बात करें तो अगर मान लेते हैं, देखिए, अगर हमें प्रूफ करना हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हमने पढ़ा है एफ नेट जीरो, और यहां कंक्लूजन लिखा था ना कुछ देर पहले, एफ नेट जीरो हो और टाउन नेट भी जीरो है अबाउट ऑल दी पॉइंट्स, वही बात यहां लिखी हुई कि देन फर्स्ट प्रूफ, पहले प्रूफ कीजिए कि एफ नेट जीरो है, और देन प्रूफ कि टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क भी क्या हो, जीरो अबाउट एनी वन ऑफ द पॉइंट, क्योंकि एनी वन मतलब कि सब पॉइंट पर तो जीरो ही होगा, उसमें से आप सब पर ना प्रूफ करके किसी एक पर प्रूफ कर लीजिए, क्योंकि सब पर क्या होता है, सेम होता है, तो अगर एक पर जीरो आया तो सब पर जीरो होगा। दिस विल ऑटोमेटिकली शोज दैट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज जीरो, टॉर्क एवरी पॉइंट जीरो ड्यू टू अबव कॉन्सेप्ट, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये एक पॉइंट पर फाइंड कीजिए तो सब पॉइंट पर निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, और पोजिशन भी फाइंड करना है, तीनों चीज ऑफ थर्ड फोर्स। अगर आप इस पर थर्ड फोर्स लगाए सच दैट के बॉडी किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस हिस्से को इरेज करके उस क्वेश्चन को यहां बनाऊंगा। इसको मिटाओ, सॉरी, इसको नोट करो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सॉल्यूशन भी मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को किया जाए। सवाल एक्चुअली कह क्या रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है, फिगर बनाइए, फिगर बनाया जाए, कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है, इधर फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है, नीचे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर फोर्स कितना लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, एंगल कितना, 37 डिग्री, ठीक है, 10 मीटर है, आपको बताना है थर्ड फोर्स, ठीक है, आपको बताना है थर्ड फोर्स
ठीक है, आपको बताना है थर्ड फोर्स कहां पर लगेगा। ठीक है, थर्ड फोर्स की तीन बात मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, चूंकि क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम, क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम, इसका मतलब कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो आइए नेट फोर्स निकालते हैं। ये 37 है, ट्रायंगल आपके ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में है तो यहां बना देते हैं ट्रायंगल। 53 डिग्री, 5, 3, 37 डिग्री, 4। ठीक है, 53, 37 सब निकल जाएगा। आइए इससे किया जाए। 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, इस 10 को तोड़ेंगे तो इस तरफ आएगा, 10 cos 37। और चूंकि एरो इधर है, ध्यान से देखिए, एरो इधर है, ठीक है, मतलब इसका 10 cos 37 इस तरफ आएगा। ठीक है, एरो ऊपर है तो ये ऐसे जाएगा, तो एक इधर आएगा 10 cos 37 और ऊपर कितना जाएगा, 10 sin 37। कहानी समझ में आ रही है, एरो ऊपर है इस वजह से ये कुछ ऐसा है, तो इसका एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, मतलब एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, इसका टेल यहां डाल दो तो ये वही फोर्स है ना। तो इधर आया 10 sin और इधर आ गया 10 cos 37, तो इसका एडो मैंने इधर डाला हुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, वैल्यू निकालिए कितना है, 10 cos 37, cos 37 कितना हो गया, नीचे इस तरफ आएगा 10 cos 37, cos 37 मुंह पर सॉल्व किया जाए, cos 37 बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कि 4/5 × 10, तो 5 से 10 चला गया तो कितना आया, 8। ये आया आपका 8, ठीक है, 8 आ गया। ये सॉल्व करो तो कितना आएगा, 10 sin 37, 3/6 आ जाएगा, 6 आएगा ना जी। बहुत लोग कंफ्यूज, अरे यार क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं, sin 37 पुट करो यार, P/H 3/5 कितना आया, 6। तो जैसे ये 6 आया वैसे ये 8 आया। अब टोटल फोर्स देखिए, इस तरफ ये फोर्स इधर जा रहा है, तो इसको तोड़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, ये फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, ये फोर्स ये है 10 न्यूटन, कितना बना रहा है, इधर है तो इधर 37 डिग्री बना रहा है, तो इसका इधर आया कितना, 8, और ऊपर कितना आया, 6, ठीक है, ये भी ऊपर जा रहा है कितना, 10, तो ये ऊपर गया कितना, इसको इससे दिखाते हैं, इस वाले को इससे दिखाते हैं, कितना हो गया 10, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइनली हमको क्या मिलता है, फाइनली मिलता है एक इधर 10 और 6 कितना हो गया 16, और एक इधर मिलता है हमको 8। ये फोर्स इस पर लग रहा है, तो हमें क्या करना है, नेट फोर्स जीरो करना है। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, 16 ऊपर लग रहा है तो नीचे भी हम 16 लगाएंगे तो वर्टिकल वाला जीरो, लेफ्ट साइड 8 लग रहा है तो राइट साइड भी हम 8 लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे हमको मिलता है कि नीचे हम लगाएंगे कितना, 16, इधर कितना लगाएंगे, 8। तो इसका रिजल्टेंट कौन होगा, इसका रिजल्टेंट होगा ये। तो मान लीजिए इसका तो नेट फोर्स कितना लगाना होगा जिससे ये पूरा जीरो हो जाए, तो एफ नेट आएगा 16 का स्क्वायर √16 + 8 कितना आ गया, ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, 6 × 6 = 36, ठीक है, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15, ठीक है, 256 + 64 कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 6 × 4 = 10, 6 × 5 = 11, 12 कितना आ गया, ये 320
200 320 का रूट निकाल दीजिए तो एफ नेट कितना आ गया, तो मैग्नीट्यूड मालूम चल गया हमें, मैग्नीट्यूड कितना है इसको भी मिटा दो यार, ये जगह बिना बात का जगह लेता है, ठीक है इसको भी मिटा दो। ठीक है मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड आ गया 320 रूट 320 न्यूटन। डायरेक्शन किधर आया, तो डायरेक्शन आया ये रिजल्टेंट ये, तो मान लीजिए ये थीटा है तो टेन थीटा निकाल लो, तो डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन आ गया, ठीक है डायरेक्शन आ गया टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा 8 बाई 16 बोले तो 1/2, तो डायरेक्शन भी निकल गया। अब क्या निकालना है, पोजीशन, क्या निकालना है पोजीशन, तो मान लीजिए ये जो मैंने रूट 320 न्यूटन लगाया है, ठीक है ठीक है, ये जो रूट 320 या जो मान लेते हैं 16 न्यूटन जो मैंने लगाया है, ये मान लेते हैं यहां मैंने लगाया 16 न्यूटन, इससे कितना x, तो इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट तो जीरो कर दिया, आप टॉर्क भी क्या करेंगे जीरो, किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालिए, किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर हम निकाले तो आइए यहां पर निकाल लेते हैं, वो एक पॉइंट हम इसे मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो फोर्स है 16, ठीक है फोर्स है 16 और x, तो ऐसे जाएगा अंदर की तरफ x ऐसे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16x, तो अब हम काम कर रहे हैं टॉर्क के लिए, तो टॉर्क के लिए काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 16x किधर अंदर की तरफ प्लस, ठीक है प्लस इस फोर्स के लिए निकालिए, ये फोर्स कितना है 6, ठीक है 6 और ऐसे जाएगा तो बाहर बाहर जाएगा 6 और ये बाहर बाहर आएगा 6 और डिस्टेंस कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 60 6 × 10 किधर बाहर की तरफ, तो जितना अंदर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा जितना अंदर उतना ही बाहर, और बात रही इस दो फोर्स की तो 8 और ये 8 तो इसी पॉइंट से जा रहा है तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 16x, ठीक है 16x अंदर बराबर 60, ठीक है ये बराबर कैसे हो गया, क्योंकि फॉर इक्विलिब्रियम टाउ नेट कितना होगा जीरो, मतलब जितना अंदर उतना बाहर, तो इधर जीरो डाल दीजिए तो 16x बराबर हो जाएगा 60, तो x बराबर आ गया 60/16, तो ये पोजीशन भी हमने फाइंड कर लिया कि कहां पर फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स नेट टॉर्क या बॉडी किस में होगा इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए तो यहां तक की कहानी क्लियर है, इसमें कुछ डाउट आ रहा होगा कि टाउ नेट जीरो, तो देखिए यहां पर टोटल फोर्स कितना है, फोर्स काउंट करो, एक फोर्स ये है दूसरा फोर्स ये है, ठीक है या 16 हमने इसी का ले लिया ना, 16 हमने किसका ले लिया, या फोर्स पहले फोर्स काउंट कीजिए कितना है, एक तो 16 F1 F2 ये F1 हो गया F2 हो गया F3 हो गया F4 हो गया, टोटल कितना फोर्स है 4 फोर्स है, ठीक है टोटल 4 फोर्स है, तो चारों फोर्स की वजह से हम यहां टॉर्क निकालते हैं, ये जो टॉर्क वाली लाइन है हो सकता है आपको बाउंस किया हो, इसलिए फिर से समझिए टाउ नेट अगर निकालें तो टाउ नेट होगा जीरो, क्यों, क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए काम कर रहे हैं, तो टाउ नेट जो होगा तो हो जाएगा टाउ ड्यू टू पहला फोर्स, टाउ ड्यू टू दूसरा फोर्स प्लस टाउ ड्यू टू तीसरा फोर्स प्लस टाउ ड्यू टू चौथा फोर्स इज इक्वल टू जीरो। टाउ वन क्या है, तो ये 16 नीचे जा रहा है, ठीक है नीचे जा रहा है, थोड़ा हाथ घुमाना होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, फोर्स नीचे जा रहा है, एक्स ऐसे है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, डायरेक्शन किधर होगा अंदर की तरफ, कितना होगा 16 गुने एक्स एफ इंटू आर, आर एफ होता है ना,
तो कितना हो गया 16x, तो 60 मिला हमें 16x, और किधर? अंदर की तरफ। तो मान लेते हैं अंदर वाले को पॉजिटिव, अंदर वाले को मान लीजिए पॉजिटिव और बाहर वाले को मान लीजिए निगेटिव, अंदर वाले को पॉजिटिव और बाहर वाले को निगेटिव, तो 16x टाउ 2, एफ 2 ये है, ये यहां ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आर एफ, आर एफ, आर कितना 10, तो 10 एफ, एफ कितना 6, तो 10 इंटू 60 बाहर की तरफ, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 60 टाउ 3, ये 8, ध्यान से देखिए ये 8 तो इसी एक्सिस से पास हो रहा है ना, तो ये तो घूमेगा ही नहीं, ये एक्सिस अंदर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस अंदर जा रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये 8 इसी से पास हो रहा है, तो इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, ये भी इसी पाइवेटेड पॉइंट से, मतलब एक्सिस यही है और एक्सिस से ही पास हो रहा है, तो इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, तो वहां डाल दीजिए 0 + 0 = 0, तो 16x बराबर आ गया 60, और उसके बाद आ गया x, इसको नोट करो, फिर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कहानी भाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पोजीशन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन, डायरेक्शन एंड पोजीशन, ये तीनों फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, फिगर यही है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, फोर्स यहां लग रहा है कितना डिग्री पर, तो 37 डिग्री पर, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एरो यहां है, ठीक है, एरो यहां है, और ये बन रहा है 45 डिग्री, 10√2 45 डिग्री, आपको वही फाइंड करना है, थर्ड फोर्स, पॉज कीजिए और बनाइए इसको, पॉज कीजिए और बनाइए, पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको, इस फिगर को फिर से बना लिया जाए, और जो भी कंफ्यूजन उसमें रहा होगा इसमें तो एकदम मैं क्लियर कर ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास जगह भी पर्याप्त है, इधर लग रहा है कितना 20 न्यूटन, ठीक है, इधर 20 न्यूटन, कितना है ये 37 डिग्री, ठीक है, देखिए फोर्स यहाँ कितना है, ऐसे आ रहा है, ये हेड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, मोबाइल चला रहा है, बताइए तो क्या यार, ऐसे में बनेगा क्वेश्चन, इसी के लिए कंफ्यूज हुए हो, तो इधर समझा रहे हैं तो मोबाइल में लगे हुए हो, टेल डालिए, यही फोर्स है ना, इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, यही फोर्स है 10√2, तो यहां भी ये कितना है 10√2, ये 45, इसको ऐसे बढ़ाइए, ये 45 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये यहां 45 बना रहा है, अब काम आसान हो गया, टेल को हमने प्रोड्यूस कर दिया, 20 को तोड़ो, तो सबसे पहले ये साइन 37 ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल कोना में बनाते हैं, 37 डिग्री, 53 डिग्री छिटका के 5 3, 37 डिग्री 4, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर आएगा इसका कलर चेंज, कलर चेंज इधर आ जाएगा 20 cos 37, ठीक है, कितना होगा, और इधर आएगा 20 sin 37, ठीक है, 20 cos 37 और 20 sin
37, तो cos 37 कितना होता है निकालो, 20, और cos 37 देखो कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेनस 4/5, कितना आ गया 16, ये आ गया 16, ये कितना हो जाएगा 20, साइन 37, साइन 37 पी बाई एच 3/5, कितना आ गया ये 12 न्यूटन, 16 न्यूटन। इस फोर्स का काम खत्म हो गया, इस फोर्स का काम करते हैं, इस फोर्स का काम करेंगे तो कितना होगा, इसको भी कलर से चेंज कर दीजिए, 10√2 इधर, तो इधर आ गया 10√2, 10√2 कॉस 45, ठीक है, तो कितना आएगा 10√2, और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो √2 से √2 डिचिक, तो कितना आ गया 10 न्यूटन। इधर इसका इस तरफ आएगा 10√2 साइन 45, तो 10√2 साइन 45 होता है 1/√2 डिचिक, कितना आ गया इधर भी 10, ठीक है 10 न्यूटन इधर भी आ गया, ये 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन, और इधर भी कितना आ गया ये 10 न्यूटन, ठीक है। फोर्स हमने निकाल लिया और कोई फोर्स कहीं पर नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग बनाते हैं एफबीडी, ठीक है, ये पहला हमने फोर्स रिजॉल्व कर लिया, अब बनाइए इसका एफबीडी। तो एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी, ठीक है, एक्स वाई, ध्यान से देखिए एक्स वाई, ठीक है, इधर कितना आ रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, इधर आ रहा है 16 न्यूटन, ठीक है, ये आ रहा है इधर 16, इधर पहला आया 16, ठीक है, नीचे कितना आ रहा है 12, तो नीचे आया 12 न्यूटन, ठीक है, ये भी नीचे है तो ये ऐड हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये नीचे है, कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, ये इधर जा रहा है, कितना है 10 न्यूटन, तो इसका भी कलर चेंज कर देते हैं 10 न्यूटन। अब देखिए वर्टिकल में नेट फोर्स कितना है और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है, तो वर्टिकल में, ठीक है, अब यहां काम कर रहे हैं, ठीक है, अब यहां काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए वर्टिकल में, वर्टिकल में कितना है 12, 10, 20, वर्टिकल में आया 22 न्यूटन, ठीक है, और 16 में से 10 गया, तो 16 में से 10 गया तो कितना आएगा 6, 16 में से 10 गया 6, 6 इधर आएगा, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो थर्ड फोर्स कैसे लगेगा, थर्ड फोर्स, ठीक है, थर्ड फोर्स कैसे लगेगा, तो देखिए थर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, थर्ड फोर्स लगेगा 22 नीचे लग रहा है, तो हम लगाएंगे 22 ऊपर, 22 लगाएंगे ऊपर क्योंकि नीचे लग रहा है, और 6 इधर लग रहा है तो हम लगाएंगे 6 इस तरफ, ठीक है, 6 इस तरफ, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा रूट अंडर 22 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये रिजल्टेंट होगा F3 मान लीजिए, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये रहा थीटा, तो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 22/6, ये डायरेक्शन निकल गया। टॉर्क कितना लगाएंगे, ठीक है, टॉर्क कितना लगाएंगे, देखिए टॉर्क लगाएंगे हम, सबसे पहले तो टॉर्क के लिए हमें एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है, टॉर्क के लिए हम एक्सिस फाइंड करेंगे, तो टॉर्क के लिए अगर हम एक्सिस फाइंड करें, ठीक है, टॉर्क के लिए अगर हम एक्सिस फाइंड करें तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले टॉर्क का एक्सिस मान लेते हैं ये, इसी के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है, इसको मान लीजिए ए, तो टाउ ए जो होगा इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब हम जो फोर्स लगाएंगे, थर्ड फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और क्या निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं कि उसका डायरेक्शन पोजीशन निकालते हैं, क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान में रखिए, हमने
ये वहां मानना है जहां पर मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो अगर हमने यहां माना तो ये मान लीजिए F1, ये मान लीजिए F2, ये मान लीजिए F3, ये मान लीजिए F4, ठीक है, चार फोर्स तो ये हो गए। उसमें का आप ले लीजिए 22 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो 22 न्यूटन ऊपर जो लग रहा है उसको भी बना ही देते हैं इस फिगर में, 22 न्यूटन ऊपर, 22 न्यूटन ऊपर, तो ये हो गया टाउ 5, सॉरी फोर्स 5, और बच गया 6 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि 6 न्यूटन हम लगाएंगे कुछ यहां पर, 6 न्यूटन हम यहां लगाएंगे, कितने दूरी पर, x पर, यहां से x दूरी पर 6 न्यूटन हम यहां लगाएंगे, ठीक है। अब देखें किसके किसके वजह से जीरो हो जाएगा। F1 फोर्स तो यहीं से पास कर रहा है, इसको क्या लिखेंगे, tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau 4 प्लस tau 5 प्लस tau 6, tau 6 बोलो इज इक्वल टू जीरो, उधर लग रहा है ना, तो वो हमारा फोर्स है थर्ड फोर्स। हाँ सही बोल रहा, वो 6 न्यूटन उधर लगेगा, तो उधर लगाइए 6 न्यूटन उधर लगेगा, 6 न्यूटन, ठीक है 6 न्यूटन। अब देखिए ये है हमारा 6 न्यूटन, अब देखिए इसके वजह से जीरो क्योंकि इसी से पास हो रहा है, तो कितना हो गया जीरो। टाउ 2 कितना हो जाएगा, F2 कौन है, ये भी इसी लाइन से पास हो रहा है तो इसकी वजह से भी जीरो। टाउ 3 कितना हो जाएगा, तो टाउ 3 भी हो जाएगा जीरो, ठीक है, टाउ 3, 3 कौन है, 3, ये भी फोर्स इसी लाइन से पास हो रहा है तो इसकी वजह से भी हो जाएगा जीरो। प्लस प्लस प्लस, ठीक है, टाउ 3 भी हो गया जीरो। अब आता है टाउ 4, ठीक है, तो टाउ 4, एक सेकेंड, 3 देखिए, ये 16 न्यूटन इधर जा रहा है, इसकी वजह से जीरो नहीं होगा, इसकी वजह से जीरो होगा, तो इसमें बाद में आते हैं, इसका वैल्यू लिख दीजिए, चाहे टाउ 3, ये 16 न्यूटन इधर जा रहा है, तो ये कितना है 10 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, तो r हो गया 10 माइनस एक्स, फोर्स इधर तो अंदर जा रहा है, r f अंदर जा रहा है, तो अंदर यहां लिख लेते हैं, अंदर को हम मानेंगे पॉजिटिव और बाहर को मानेंगे हम निगेटिव, तो r 10 माइनस एक्स इंटू कितना 16, तो ये अंदर जाएगा तो tau 3 हो जाएगा 16, ठीक है, 10 माइनस एक्स, और अंदर को हमने पॉजिटिव लिया इसलिए पॉजिटिव, tau 4, ये फोर्स इसी लाइन से पास हो रहा है इसलिए ये भी कितना हो जाएगा जीरो। प्लस tau 5 देखिए, ये रहा 5, r x, तो इसके लिए r ये है और फोर्स इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे r f, तो ये बाहर की तरफ, तो बाहर वाले को क्या लेंगे निगेटिव, तो कितना है x, 6x हो जाएगा, माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो, बस इसको सॉल्व कर देना है, तो क्या बचा 16 10 माइनस x इज इक्वल टू निगेटिव उधर गया तो कितना आया 6x, तो ये आ गया 160 माइनस 16x बराबर 6x, तो 160 कितना आ गया, ये 16 6 22x, तो x बराबर निकल कर आ गया 160/22, तो हमने पोजीशन भी निकाल लिया है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, पोजीशन भी निकाल लिया। तो चूंकि मेरे साथ स्टोरेज का लफड़ा है इसलिए लैडर प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट वीडियो में है, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।